हेलो गाइस, तो टाइम देख सकते हैं 7:40 हो गया, 7:30 का स्टार्ट था, तो पैकेट जल्दी मिल गए हैं। पैकेट दिखाता हूँ आपको, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ज़रूरी है। तो ये हम 7:30 PM से 11:30 PM करने वाले हैं, जिसमें हमको 22 पैकेट करना है, ठीक है। ये रहा 22 पैकेट में हमारे 15 डिलीवरी हैं, तो 15 में एक ये है शायद दिक्कत कर रहा है। मेरे पास 14 डिलीवरी पैक हैं और 8 एक्सचेंज हैं, तो ये वाले एक्सचेंज में बाद में करूँगा, अगर हो गए तो रास्ते में कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल इस पर फोकस नहीं करना, हमें डिलीवरी पे फोकस करना है। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो देखते हैं कितने की है। तो यहाँ पे 3 3 6 6 की लोकेशन वहाँ पे है, 6 5 11 11 2 13 13 2 15 15 4 19 19 की लोकेशन है, और 3 की लोकेशन नहीं है। तो आइए करते हैं, जो ये वाला दिखा रहा है ये पिकअप का होता है, तो ये पता नहीं क्यों डाल देते हैं, पढ़ा देता, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। तो हमारे पास 19 की लोकेशन है, 22 डिलीवरी करने हैं, जिसमें 14 8 22, हाँ, तो यहाँ पे 8 एक्सचेंज है, एक्सचेंज में टाइम ज़्यादा लगता है, चलिए कोई ना, इतना भी टाइम नहीं लगता है, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सोच रहा हूँ मैं, सबसे पहले 4 5 निपटाता हूँ, उसके बाद ये कर लूँगा, फिर यहाँ पे घुसूँगा, और ये करते 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 इधर निकल जाऊँगा, ये वाला लास्ट में करके वापस चलाऊँगा, ये सही रहेगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं आपको आगे कि कैसे रात में डिलीवर करते हैं, और अगर लेट होता है तो कस्टमर का जो बिहेवियर होता है उसको रिस्पांस करेंगे। और काफ़ी अगर डिस्टेंस की बात करें तो काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है मुझे आज, अगर 20 नंबर को हम टारगेट करते हैं तो ये हमारा लगभग पड़ेगा 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर वो प्लस बाकी के जो पड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 4 5 को निपटाते हैं, 4 5, ठीक है। तो ये हमारा 25 नंबर 4 से अंदर जाना है शायद, हाँ 25 नंबर 4 जाके अंदर डिलीवर करना, चलिए चलता हूँ। तो यहाँ पे 2 बोरी मैंने बना ली हैं, तो जो ये वाली है एक्सचेंज वाली, इसमें मैंने 8 पैकेट अलग रखे, ये लूँगा मैं उठाऊँगा ताकि मुझे दिक्कत ना हो, और वो वाले में डिलीवर करूँगा आसानी से। ज़्यादा पैकेट होते हैं तो टांगते भी नहीं बनता ना, वो टायर के पास पहुँच जाता है, इसलिए जो जो कम पैकेट हो उसको कोशिश करिए आप, मतलब यहाँ पे लटकाने का, तो दोनों लोगों का आसान रहता है, कस्टमर को बढ़िया। अब एक्सचेंज है अलग है, बिल्कुल ज़रूरत होगी तुरंत खोला उतार के कर लिया, ये हमारे डिलीवरी के जो हैं वो अलग पैकेट है। तो इसको ये पकड़ा, ये ले लिया, काफ़ी हल्का हो गया, तो क्योंकि इसमें जो है ना बड़े बड़े डिब्बे हैं बस, बाकी वेट नहीं है बिल्कुल भी। अब दिक्कत यह है कि रात में हमें चलना ज़्यादा पड़ेगा, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, हेलमेट लगा लिया, तो क्या चलिए चलते हैं। स्टेशन से निकलते निकलते 43 हो गया, मतलब 4 मिनट का वीडियो मैंने बनाया यहाँ पे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वरना अंदर से मैंने पैकेट शॉर्ट कर लिए थे। अब सीधे आपको 4थे और 5थे लोकेशन वाले कस्टमर के पास पहुँच के मिलता हूँ।
हेलो सर, आपका अमेजोन से पार्सल लेके आया हूँ। सर गेट पे हूँ। 41 और 41 ये। जी जी मैं गेट पे हूँ। तकड़ा जब ले चुकी बड़ी जल्दी। अरे अरे एक मिनट जस्ट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ तकड़े पे। ये पैकेट, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। आशीष श्रीवास्तव। कुछ डांटे वांटे कुछ बोले तो नहीं? आशीष श्रीवास्तव। अरे यार वो कैंसिल हो गया ना, इसी वजह से थोड़ा मेरा भी मूड ऑफ हो गया था। अब कस्टमर का तो हो गए। ठीक है, आइए सर। आशीष के नाम से पार्सल दोनों चाहिए ना?
हाँ हाँ दोनों हैं। ओके सर। अरे आपको देखा तो है यार, ये देखो ऐसे पैकेट है मेरे पास अभी। इधर वाले डिलीवरी वाले हैं तो इसे डिलीवरी वाले पहले कर रहा हूँ। अरे तो 11:30 तक की शिफ्ट है अभी। ये भी हो गया। किसी टेंशन के एक कस्टमर ने सिर्फ कैंसिल करवाया लेट की वजह से, बाकी ले लेते हैं। एक ही दो कस्टमर मतलब होते हैं जो थोड़ा जल्दी सोने वाले होते हैं। मेरा हो गया, वहाँ का काम हो गया। अच्छा